जी हाँ दोस्तों, खिलाड़ी अक्षय कुमार की एक नई मूवी का अनाउंसमेंट टाइटल टीजर रिलीज हो गया। आइए बात करते हैं उसके बारे में, जिसका नाम है सरफिरा। और ये सूर्य राय पोत्रो की रीमेक है। और इस मूवी में सूर्य को 6 नेशनल अवार्ड और 5 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। बंदा इतना मस्त तरीके से एक्टिंग किया है कि लोगों के दिल को जीत लिया है। लेकिन अब खिलाड़ी अक्षय कुमार जो है इस मूवी में किस तरीके से काम करते हुए नजर आएंगे, ये अब 12 जुलाई के दिन देखने को मिलेंगे। हाँ, लेकिन खिलाड़ी कुमार है तो उम्मीद है बहुत है। जिस तरीके से अनाउंसमेंट टीजर में हमें कई सारे डायलॉग उनके सुनने को मिलते हैं, ये लाजवाब है। और इस डायलॉग के साथ लोग ने अच्छी उम्मीदें लगाएगी, जिसका हिंदी वर्जन आपको उड़ान के नाम से OTT में देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं खिलाड़ी अक्षय कुमार की सरफिरा मूवी कब रिलीज होगी। 44 सेकंड के अनाउंसमेंट टीजर में हमें अक्षय कुमार के कई सारे डायलॉग को सुनने को मिलते हैं। जैसे वो बोलते हैं 1 रुपये में फ्लाइट की टिकट मिलेगी, और वो इंसान कैसे स्ट्रगल करके 4 करोड़ रुपये इकट्ठा करके फ्लाइट लेते हैं, और वो इंसान की लुक जो है रॉयल एनफील्ड में किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, ये देखने के लिए लोग की उत्साह जरूर होगी। 12 जुलाई को ये मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। और ये एक नावेल बेस्ड मूवी है, यानी सिंपल फ्लाई नाम से जो नावेल है उसके ऊपर आधारित है। आप अगर सूर्य की मूवी सूर्य राय पोत्रो देखे हैं तो आपको ये मूवी समझने में थोड़ा सा आसानी हो सकती है, क्योंकि उसी की रीमेक है और सूर्य की एक्टिंग लाजवाब है। इसमें आपको इस मूवी के अगर डायरेक्टर की बात करें तो सुधा कुंगड़ा इस मूवी के डायरेक्टर है, जो ओ माई गॉड और उसके कई सारे मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं। अब इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये खिलाड़ी जिसमें अक्षय कुमार होंगे, तो ये मूवी ऐसे ही ये मूवी एक एक्शन बेस्ड मूवी होगी। और इसके अलावा इस मूवी में सूर्या का भी छोटा सा कैमियो हो सकता है। इसके साथ साथ मूवी में राधिका मदान का भी कैमियो होगी। 44 सेकंड के टीजर अनाउंसमेंट टाइटल टीजर से बहुत ज़्यादा तो बताया जा नहीं सकता है, लेकिन इतना है, इतना कन्फर्म है कि एक नावेल पे बेस्ड मूवी होगी और इसमें एक्शन कमाल की होगी। भाई आप तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसमें अक्षय कुमार हो तो उसमें एक्शन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस तरह से टाइटल टीजर में हमें उम्मीद जगाई है, अब वो उम्मीदें ओरिजिनल ट्रेलर और टीजर में वो उम्मीदें जगा पाती है, या मूवी में वो उम्मीदें जगा पाती है कि नहीं, अब देखना ये होगा। और ये 12 जुलाई के दिन रिलीज होगी सिनेमाघरों में, तो किस तरह से परफॉर्म करती है। तो दोस्तों, DJ MD अख्तर को इजाज़त, शुक्रिया।